अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से ही, जहां अब कैदी श्रीराम के प्रति आस्था दिखा रहे हैं। गाय के गोबर से बने हुए दीपक अब अयोध्या पहुंचने वाले हैं, और ये दीपकों की खास बात ये है कि जेल में बंद कैदियों ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, और 40,000 से ज़्यादा दीपक अयोध्या भेजे जाएंगे। कुल 51,000 दीपक जो है जेल से भेजे जाएंगे, जिसमें से 1,000 LED दीपक भी होंगे। ताज़ा जानकारी ले लेंगे, उमंग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग, अगर आप बात करें अयोध्या की, राम मंदिर की, तो कोई सा भी ऐसा वर्ग नहीं है जो अपना योगदान नहीं दे रहा हो। बात अगर करें महिलाओं की, पुरुष की, बच्चों की, हर भारतीय, हर सनातनी इस वक्त जो है राम के रंग में रंगा हुआ है। बात करें हम जेल के कैदियों की भी, तो बताया जा रहा है कि जेल के कैदियों द्वारा गोबर के दिए बनाए गए हैं, उन्हें अयोध्या भेजा जा रहा है। जी अश्मिता, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो अपना योगदान देना ना चाह रहा हो। उत्तर प्रदेश हो या फिर देश का अलग, देश के जो अलग अलग हिस्से हो, सभी जगह से जो तमाम लोग हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। जो लोग हैं वो कुछ अगर अलग करना चाह रहे हैं तो वो अयोध्या में अपने मन के हिसाब से अपनी श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं, नहीं तो देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार खबरें आ रही है कि लोग किस तरह से इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन रहे हैं। इसी क्रम में अनादी टीवी ने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त कारागारों में 22 जनवरी तक लगातार सुंदर कांड का पाठ करवाया जाएगा, और जो कैदी है अगर उनको किसी भी तरह की धार्मिक सहायता चाहिए तो उनके लिए तत्काल मुहैया करवाई जाएगी। इसी क्रम में प्रदेश के कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने खुद कई कारागारों का निरीक्षण किया था, और उन्होंने कुछ कैदियों से सीधा संवाद भी किया था। ये खबर जो है अनादी टीवी की टीम ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अयोध्या में जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, कारागार में बंद जो कैदी हैं वो अयोध्या तो नहीं जा सकते, इसलिए इस पूरे कार्यक्रम की जो लाइव फीड है वो उनके लिए कारागार में दिखाई जाएगी। ये जो निर्देश है ये उत्तर प्रदेश की कारागार मंत्री की ओर से दिए गए हैं कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो पूरा कार्यक्रम जो है वो लाइव फीड के माध्यम से कारागारों में कैदियों को दिखाया जाएगा, क्योंकि कारागार में, क्योंकि जेल में हर वर्ग के कैदी रहते हैं, हर धर्म के कैदी रहते हैं, तो उनके लिए उनके धर्म के हिसाब से तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जो है वो कारागार मंत्री द्वारा दिए गए। इसी क्रम में आपको बता दें कि 1,000 LED दीपक जो है वो कारागारों से कैदियों के हाथ से बनाए गए जो दीपक है उनको अयोध्या भेजा जाएगा, जो कि अयोध्या में इस कार्यक्रम की और कार्यक्रम, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को और भव्य बनाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही 40,000 राम ध्वज जो है वो भी अयोध्या भेजे जाएंगे, और 51,000 दीपक जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग कारागारों से जो कैदियों के हाथ से बनाए गए हैं वो अयोध्या भेजे जाएंगे, ताकि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो उत्तर प्रदेश की कारागार में बंद कैदी हैं वो भी अपना एक योगदान दे सके। और इसी योगदान को और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के जो कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने कई ऐसे निर्देश दिए हैं जिससे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश के कारागारों में बंद कैदी जो है वो भी बन सके। जी बिल्कुल, और ये एक काफ़ी अच्छा संदेश भी है। देखिए, कैदियों को ज़्यादातर हमारा समाज हीन भावना से देखता है, और देखिए गलती वो कर देते हैं जिनकी सज़ा भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा क्षण है प्रायश्चित का, और कैदियों ने खुद अपने हाथ से, देखिए यही खूबसूरती है हमारी संस्कृति की कि कैदी जो दिए बना रहे हैं 22 तारीख को वो दिए अयोध्या नगरी में जलेंगे, जगमगाएंगे, तो हम देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा होगा, और कैदियों ने भी जो है प्रायश्चित किया है, और प्रभु श्री राम की कृपा जो है हर वर्ग पर ऐसी ही बनी रहे, ये भी हमारी कामना है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि 51,000 दिए जलेंगे रामलला के दरबार में, और ये दिए कैदियों ने बनाए हैं, ये खास बात है।